मॉर्निंग बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर वही चल रहा है, कैसे पहचानना चीटी नहीं अपने दोस्त को। तो मैंने वहाँ तक आपको बता दिया था कि कुछ जो जानवर होते हैं वो अपने, जैसे चींटियाँ होती है, कोई रोटी का टुकड़ा बिखरा हुआ होता है तो उसको वो अपना एक दूसरे जो चींटी होती है एक पटाख छोड़ती है जो वो उसकी उसकी गंध को सूंघते हुए वो एक दूसरे की रेल की तरह चलते हैं, जैसे रेल चलती है वैसे चलते हैं, लाइन में चलते सीधे लाइन में चलते हैं, तो वो चिंटी अपने इस प्रकार अपने बच्चों को प्राप्त कर लेते हैं। आगे बच्चों आज हम पढ़ते हैं, जैसे इसी प्रकार कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान करते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो मादा गंध छोड़ती है और उस गंध जो छोड़ती है उस गंध को वो उस गंध की पहचान करते हुए उस मादा की पहचान कर लेते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा, इसमें आपने अपने कीड़ा दिखा रखा है, रेशम का कीड़ा जो रेशम का कीड़ा होता है वो कई किलोमीटर से अपनी मादा की पहचान कर लेता है और उसकी गंध की पहचान कर लेता है और अपने कीड़े को वो ढूंढ लेता है, चाहे वो कितने ही किलोमीटर से हो। ये कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कीड़ा कौन सा है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर से भी पहचान लेता है, तो ऐसा कीड़ा कौन सा है? रेशम का कीड़ा। ठीक है, मच्छर, मच्छर भी हम कहीं भी बैठ जाए वो अपनी गंध को सूंघते हुए उसको पता नहीं कैसे चल जाता है कि यहाँ पर इंसान बैठा हुआ है या बैठा हुआ है, उसको काटने के लिए वो आ जाता है, अपने शिकार को पकड़ने के लिए आ जाता है। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध पास कर पैरों के तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। हमारे शरीर की गर्मी होती है उससे वो हमें ढूंढ लेता है। कुत्ता अपनी जगह, जैसे ये कुत्ते होते हैं वो अपनी जगह काटे हुए रहते हैं, पट्टी होती है, तो ये अगर उसको लगता है कि दूसरा कुत्ता है तो उसके मलमूत्र की गंध से उसको पहचान लेता है और वो अपने इलाके से उसको खदेड़ डालता है, उसको वहाँ से उसको निकाल देता है। तो कुत्ते में भी ये नहीं होते, तभी ये मिलते हैं, है ना। पुलिस अपने फौजी कुत्ते रखते हैं, फौजी कुत्ते रखते हैं जो अपराधी को पकड़ने के लिए भी इनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। उनमें भी तेज सुनने की शक्ति होती है कि अपने स्थान में जहाँ ये रहता है उस एरिया में अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो उसके मन मंत्र की गंध से उसको पहचान लेता है और अपने एरिए से उसको निकाल लेता है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिरे के दोनों तरफ होती है, सिरे के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, यानी एक दोनों तरफ होती है उसके, तो वो दोनों तरफ की चीज़ों को देख लेते हैं और एक ही समय में वो दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। एक तरफ वो खाना खा रहा है लेकिन उसको दूसरी तरफ पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति सुना है, क्योंकि उसकी दोनों तरफ की नज़रें काम करती हैं। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि अगर वो एक ही तरफ से नज़र को डाल सकता है तो वो क्या करता है, तो उसकी गर्दन काम करती है, गर्दन को पीछे घुमा के देख लेता है। तो उसका काम, अगर नज़र काम नहीं करती है तो उसकी गर्दन क्या करती है, उसको घुमा के वो देख लेता है और इस तरीके से वो अपनी चीज़ें को पहचान लेता है और अपनी रक्षा करता है। तो बच्चों हमने आर्ट्स में पहले हमने पढ़ा था कैसे पहचाना चिट्ठी में, अपने दोस्तों को चिट्ठी के बारे में पढ़ा था, कुछ पक्षियों के बारे में पढ़ा था, आप कुछ हमने कीड़ों के बारे में पढ़ लिया। मान लो कि पूछ लिया जाए कि रेशम का कीड़ा अपनी माता को कितने किलोमीटर में पहचान लेता है, तो कम से कम 3 किलोमीटर में ये अपनी माता को पहचान लेता है। इस तरीके से वो काफ़ी दूरों को भी ये अपनी उसकी गंध को पहचान लेता है। और मच्छर भी हमारे जो शरीर की जो गर्मी है वो अपने पैरों के तंत्रों से पहचान लेते हैं और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है हम ढूंढ लेते हैं और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और उसको काटता है। इसी प्रकार कुत्ता भी अगर उसके पड़ोस में कोई आ जाए जैसा कुत्ता, तो उसको भी वो अपना उसकी मनमंत्र की गंध से उसको पहचान लेता है और अपनी जगह से उसको निकाल देता है। ज़्यादातर पक्षी भी कहते हैं वहाँ की दोनों सिरों की तरफ दोनों तरफ देख पाती है, तो वो आप एक तरफ खड़ा रहता है लेकिन दूसरी तरफ अगर उसका दुश्मन आता है तो उसको भी वो पहचान लेता है और पूरे पकड़ना अपने दुश्मन को देखते ही पकड़ना।
साथ छोड़ के उठ जाता है। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे मुर्गा है ना, उल्लू है, वो उनको पता नहीं चलता है कि पीछे कोई आ रहा है, तो वो क्या करता है, उनकी पलकें इस तरीके से होती है, उनकी गर्दन इस तरीके से होती है कि गर्दन को घुमा के वो देख लेता है कि हमारा कौन भी चीज़ कोई आ रहा है, गर्दन गर्दन को घुमा के देख लेता है और इस तरीके से वो अपनी रक्षा कर पाता है। ठीक है, तो आगे वाली क्लास में इसी पार्ट को हम आगे पढ़ेंगे बच्चों।